एक CMG 250, ये क्रॉलर क्रेन है जो 250 टन का क्रेन है। ये लफिंग टावर जिब में चल रही है फ्रेंड्स। इसको हमको 34 मीटर रेडियस से माल उठाना है। हमारा कैपेसिटी इसका 17 टन का बनेगा फ्रेंड्स। उसको हमको 11 टन का मटेरियल को उठाना है। उठाने के बाद ये देख रहे हैं टावर जिब में लफिंग बूम लगा हुआ है। ये 250 क्रॉलर क्रेन है जो कि अभी इसको रेडियस के बारे में बताएंगे। देखिए 34.84 यानी 35 मान के चलिए, जिसका कैपेसिटी हमारा 17 टन का दिखा रहा है, उठाने का क्षमता दिखा रहा है, जबकि हमको 11 टन का मटेरियल को उठाना है। और ये कैमरा है, देखिए 4 कैमरा इसमें है। और ये मटेरियल है जो ये सामने वाला है जो हाथ दिखा रहा हूँ, ये मटेरियल है 11 टन का है फ्रेंड्स। इसको हमको शिफ्टिंग करना है, 60 मीटर हाइट से हमको शिफ्टिंग करना है। इसी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड, कैसे ये मटेरियल को लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग किया जाएगा, हाइट से कैसे लेंगे और कैसे रेडियस इसको लेना है। अभी हमको ये मटेरियल को अभी हम उठा के दिखाएंगे कि कितने रेडियस में कितना माल है इसमें दिखाएंगे डिस्प्ले में। अभी ये देखिए, अभी वो लोग सीलिंग फंसा रहा है, जिसको सीलिंग इसमें 26 mm का यूज किया गया है। ये जो है ये मटेरियल है, बीम है, हेवी बीम है जो 60 मीटर हाइट से ये शिफ्टिंग किया जाएगा। ये देखिए 34.82 मीटर दिखा रहा है जो रेडियस है, जो 17 टन का भी ये हमारा देखिए चैन सीधा है। और आउटसाइड से मैं डाउन मार के ये मटेरियल को उठा रहा हूँ। ये देखिए बंदा जा रहा है, हमारा बूम किधर है, लेफ्ट साइड में है। और ये देखिए अभी मटेरियल इसमें अभी हमारा 34 रेडियस दिख रहा है, 34.82 यानी 35 मीटर है रेडियस। अभी ये देखिए मटेरियल का वेट आ गया है 11 टन और 16 टन हमारा कैपेसिटी हो डाउन हो गया है, क्योंकि 35 मीटर 700 हो गया यानी 36 मीटर के लगभग हमारा रेडियस हो गया है फ्रेंड। इतने रेडियस में आप हाइट में माल नहीं लेके जा सकते हैं। आपको क्या करना रहता है, थोड़ा सा हाविस करके उसके बाद में बूम आप करना रहता है, अपना रेंज में लाना रहता है। रेंज में रखने का यही होता है कि अपना क्रेन सेफ रहेगा और माल भी सेफ रहेगा। इसके लिए अपने को बूम आप करना रहता है। और देखिए हाइट से माल अभी ये आरक्षण के लिए अभी शिफ्टिंग के लिए हाइट से देखिए ये हाइट हो रहा है। और लफिंग टावर जिप को आप करना पड़ता है। देखिए हम बूम आप किया है, 28 मीटर रेडियस आ गया है। ऐसे ही आपको बूम को आप करना है और रेडियस में ला के ही इसको स्विंग करना रहता है फ्रंट, क्योंकि हमारा क्रेन का क्षमता बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए माल उठने के बाद अपना बूम को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद ही आपको स्विंग करना रहता है फ्रेंड्स। बात का जानकारी रखना है कि ये अपना ज़्यादा कैपेसिटी बनाए रहे कि अपना मूवमेंट हो तो हमारे को कुछ नुकसान क्रेन का ना हो और मटेरियल को भी कुछ ना हो फ्रेंड। ऐसे ही शिफ्टिंग किया जाता है, ये लफिंग टावर जिब में चल रहा है। जो मेन बूम को हम 83 डिग्री लिए हैं और लफिंग को अभी अप डाउन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना मटेरियल है वो मटेरियल के हिसाब से आपको रेडियस लेना है कि हमारा रेडियस इतने में चला जाएगा। माल के हिसाब से आपको रेडियस बना लेना है। और देखिए हाइट में ये मटेरियल को शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए हाइट और बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है, ये डस्टबिन के ऊपर से गया, ये बिल्डिंग के ऊपर से गया और दूसरी साइड जो बिल्डिंग है उसमें हमको ये मटेरियल को शिफ्टिंग करना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको आरक्षण किया जाएगा। अभी एक इसमें एक बीम है जो कि अभी ये शिफ्टिंग किया जा रहा है। जब अरेक्शन होगा तो ये डबल बीम हो जाएगा, डबल बीम को अरेक्शन करना रहेगा। जब 11 टन एक है तो दोनों मिला के 22 टन हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए ये टावर क्रेन भी बाजू में चल रही है, उसको भी देख रेख के ही शिफ्टिंग करना है कि उसमें भी लगे ना अपना रेडियस। और फोरमैन को इशारा से आपको शिफ्टिंग करना है। और टावर क्रेन देखिए बाजू में ही फ्रेंड्स चल रहा है, टावर क्रेन के बाजू से ही इसको क्रेन को मूवमेंट करना है। दोनों साइड में ध्यान रखना है कि टावर क्रेन में टर्च ना हो और फोरमैन के इशारे से ही आपको स्विंग करना है, देख रेख में ही करना है। और देखिए ये स्विंग हो रहा है फ्रेंड्स, ये मटेरियल को शिफ्टिंग किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।
और फॉलो करो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, ऐसा ही वीडियो का जानकारी देता रहूँगा फ्रेंड्स। ये देखिए 11 टन वेट है इसका। अभी रेडियस हमारा 28 मीटर लिया हूँ। ये कैमरा है जिसमें 4 कैमरा दिया हुआ है। देखिए ये टॉप के बूम में दिया हुआ है कैमरा। ये देखिए मटेरियल को ये मैं रख दिया इधर, ये सामने ये मटेरियल है, ये बीम शिफ्टिंग किया गया है फ्रेंड्स। देखिए ये मैं हाथ से दिखा रहा है, इसको शिफ्टिंग किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ऐसा ही जानकारी देता रहूँगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर जानकारी देंगे। देखिए ये फ्रेंड अभी ये शिफ्टिंग हो गया है फ्रेंड्स। और कमेंट कीजिएगा ऐसा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ये 250 क्रॉलर क्रेन के बारे में जानकारी दिया कि रेडियस कैसे हैवी माल को आरक्षण किया, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग किया जाता है, और रेडियस में कैसे लिया जाता है, बूम आप करना पड़ता है फ्रेंड्स। और कमेंट कीजिएगा। देखिए ये कैमरा है, यहाँ मटेरियल शिफ्ट हो गया है फ्रेंड्स। और देखिए